एक करके यहाँ पे हम बुलाएंगे, ऑर्डर पे नहीं होगा, लेकिन जो बहुत दूर से आए हैं मैं पहले उनको मौका दूंगा। तो हमारे चंडीगढ़ से आए हैं श्री मनीष धनकर जी, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा यहाँ पे आएंगे और अपना एक्सपीरियंस सुनाएंगे सारे बैच में जो मौत में बैठे हैं। कभी एक शब्द मुंह से बेचारे ने निकाला नहीं है। वो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना जो भी मौन है उसको तोड़े और यहाँ पे आके कुछ शब्दों में जरूर अपना जो भी एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे हमारे साथ आगे शेयर करेंगे। मनीष जी आइए। मनीष जी फ्रॉम चंडीगढ़। देखिए मैं इतना अच्छा वक्ता नहीं हूँ, सबसे पहले आपसे पहले ही माफी मांग लेता हूँ अगर मेरे से मेरे किसी आचरण से मेरी गीता हो बात। एक्चुअली ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, पहले कभी मैं इस तरह के शिविर में आश्रम में नहीं गया था और जिनको मेरे साथ आना था वो भी नहीं आ पाए। तो अब प्रकृति ही कहूंगा, यहाँ दो दिन सर को इतना सुनने के बाद कि प्रकृति ने मुझे मौका दिया और आप सभी के सहयोग से आप सभी के आभार से इतना कुछ सीखने को मिला। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे को इतना मतलब मैं मंदबुद्धि हूँ, मेरे काफी बातें मेरे ऊपर से गई हैं, लेकिन थोड़ा बहुत जो भी मैं अडोप्ट कर पाया हूँ मैं चाहूंगा मैं उसको अपने व्यवहारिक जो मेरी व्यवहारिक लाइफ है उसमें अडोप्ट कर पाऊँ। और आप सभी का वह सर का बहुत बहुत आभारी हूँ और मैं चाहूंगा प्रकृति ने अगर कभी मुझे मौका दिया तो मैं फिर आपका सानिध्य देखूं। ये उनकी बहुत ही विनम्र भाव है कि वो कहते हैं कि मैं मंद बुद्धि हूँ, जो कम बोलते हैं ना वही ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। मिस्टर धनकर जी